आप सीजर का हम क्या पढ़ते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हिस्ट्री और फिजिकल एग्जाम। क्या पेशेंट हिस्ट्री में बोलेगा मुझे सीजर आता है? बोलेगा भाई, क्यों नहीं बोलेगा? बोलेगा है ना। पेशेंट बोलेगा सर मैं, मुझे ऐसा होता मैं गिर भी जाता हूं वापस खड़ा। अरे तू तो संदीप माहेश्वरी है, वो ऐसा बोलेगा ना कि सर मैं, मुझे जर्की मूवमेंट आ रहे हैं, मेरा ऐसा हो रहा है, पेशेंट बोलेगा है ना। ओके, तो हमने कर दिया सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, सबसे बेसिक से चलते हैं। क्या चेक किया? सीरम। क्या सोडियम देखेंगे? क्या कम मिलेगा? क्या पोटेशियम देखेंगे? क्या क्या कैल्शियम भी देखेंगे? क्या यस आपने देखता हो, हमने क्या देखा? ग्लूकोज, सीरम ग्लूकोज किस, अरे अरे क्यों टच हो रहा, किससे कम मिलेगा? 20 mg/dL। किससे कम मिलेगा? 20 mg/dL है ना। तीसरा द वेरी 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 इंपॉर्टेंट ईईजी, क्या करते हैं? क्या ईजी? इलेक्ट्रो एंड सेफेलोग्राफी। क्या ब्रेन की एक्टिविटी कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? ज्यादा। ब्रेन की एक्टिविटी क्या मिलेगी? ज्यादा। कर दिया हमने नेक्स्ट, कर दिया ईईजी, ब्रेन की एक्टिविटी क्या मिली? ज्यादा। ओके बक्सजनों, क्या ये मोस्ट कंफर्मेटिव हो सकता है? क्या? यस सर। क्या हो सकता है? मोस्ट कंफर्म। क्या सीटी स्कैन एमआरआई करा सकते हैं? क्या? यस। क्यों सीटी स्कैन एमआरआई कराओगे? क्या पता चलेगा? पहला आपको मिल जाएगा फोकाई। व्हाट इज द फोकाई? एबनॉर्मल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, आपकी बात भी मान लेते हैं। ट्यूमर, अरे हाँ या ना। ओके, एक और टेस्ट कर लो, सेरिब्रल एंजियोग्राफी। क्यों कर? सेरिब्रल एंजियोग्राफी क्या है? कोई आर्टरी में ब्लॉक है या नहीं है? क्योंकि ब्लॉक होगा तो आगे ऑक्सीजन नहीं जाएगी, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं? सेरिब्रल एंजियोग्राफी। अरे हाँ या ना। क्या क्या कर दिया? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड ग्लूकोज, ईजी, सीटी एंड एमआरआई, ऑन सेरिब्रल एंजियोग्राफ। नाउ आई एम कमिंग टू द मैनेजमेंट, आई एम कमिंग टू द मैनेजमेंट। द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट नर्सिंग या कोई सा भी मैनेजमेंट बोलो, क्या है? प्रोवाइड सेफ्टी टू प्रिवेंट द इंजुरी। क्या पेशेंट के गिरने के चांसेस ज्यादा है या कम है? तो पेशेंट को हेड इंजुरी होने के चांसेस भी, तो सबसे पहला काम प्रोवाइड सेफ्टी। अगर पेशेंट बेड पे है, किस पे है? बेड पे, तो क्या साइड रेल ऊंची करोगे या नीची कर दोगे? धक्का मार दोगे? जा बच्चे, तुझे मुक्ति देती हूं या देता हूं, है ना। अगर साइड रेल नहीं है बेड, अगर आप बहुत बेकार हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, साइड रेल नहीं है, तो उसको किसी फ्लैट सरफेस पे लेटा देंगे। कौन सी सरफेस पे? फ्लैट, सत्य वचन। ओके, माउथ गैग डालेंगे, प्लीज गिव मी डायरेक्शन। क्या डालेंगे? क्यों माउथ गैग डालोगे? माउथ गैग डालोगे, गैग क्यों डालोगे? पहला टंग बाइट ना होगा, और दूसरा इससे एयरवे ओपन रहेगा। अगर प्रोट्रूजन ऑफ टंग हुआ तो टंग पीछे गई तो एयरवे ब्लॉक हो गया क्या? तो इसके लिए अगर हमको पता है तो हम क्या डालेंगे? माउथ गैग, एयरवे। अरे हाँ या ना। यस सर। नाउ पेशेंट को टाइट क्लोथ पहनाओगे या लूज क्लोथ? क्यों लूज? फ्रैक्चर हो जाएगा टाइट। जब स्पाज़म हो रहा है तो टोन बढ़ रही है क्या? कपड़ों का नुकसान हो जाएगा, फट जाएंगे, मसल इंजरी होने के चांसेस ज्यादा, नालायक हो, है ना। पेशेंट को वेंटिलेशन देंगे, ऐसा नहीं अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, ना दूर दूर से देखेंगे, मजे लेंगे दूर रह के, अरे है ना। प्रोवाइड वेंटिलेशन, क्या देंगे? वेंटिलेशन। कभी भी जॉ को खोलने की कोशिश,
ऐसा जो लाला है कैसे निकल रहा है ना। कृतिका, कृतिका ने देखा, अरे जाओ रे, कृतिका ने देखा कैसे निकल रहा है, लाला रे मैं खोलती हूं, क्या जॉ फ्रैक्चर हो जाएगा क्या, मैंडिबल फ्रैक्चर या जॉ फ्रैक्चर। पेशेंट को कौन सी पोजीशन में लेटाओगे, साइड लाइन। रुक जाओ, कौन सी पोजीशन देते हैं, क्या है, साइड लाइन, साइड लेटर, राइट लेटर यहां, ताकि अंदर का सलेबा कहा जाए बाहर, क्या नहीं हो, एस्पिरेशन। कभी भी ट्राई मत करना जॉ लॉक को खोलने के लिए, ओके। कभी भी सीजर आ रहा है तो पेशेंट को इंटरप्ट नहीं करना है, होने दे, हम भी देखते तू भी देख, क्यों टाइम देना है उसको, कर ले तू तेरा टाइम, देखेंगे, ओके बढ़िया। कभी भी इंटरप्ट नहीं करेंगे सीजर में, वी वॉच द टाइम, वी वॉच द स्टेज, ऑरा फेस, टॉनिक फेस, क्रोनिक फेस एंड पोस्ट सीजर फेस, है ना, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट को आपको लग रहा है सीजर आने के चांसेस है, तो पेशेंट को कोशिश करो क्या रखो, एनपीओ, ताकि एस्पिरेट ना करे। अरे हाँ या ना, ये सब करना है, ऐसा नहीं देखते, अरे क्या हो रहा है, जादू दिखा रहा है, हाँ या ना, हाँ